कॉज ऑफ इफेक्ट से रिलेटेड सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमें। ए स्टेटमेंट है, द एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट कॉलेजेस कंडक्ट अ कंबाइंड एडमिशन एग्जाम फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशन दिस ईयर। तो यहाँ पर जो कॉलेज मैनेजमेंट का एसोसिएशन है उसने इस साल सभी इंस्टीट्यूशन के लिए कंबाइंड एडमिशन कंडक्ट किया है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, एज द डेट टू फॉर एंट्रेंस एग्जाम फॉर मैनी मैनेजमेंट कॉलेजेस क्लैश लास्ट ईयर, मैनी कैंडिडेट्स कंप्लेंट दैट दे कुड नॉट अपीयर फॉर अ नंबर ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। सेकेंड स्टेटमेंट में लास्ट ईयर में कई सारी जो एंट्रेंस एग्जाम थे उनकी जो डेट थी वो फिनिश हो चुकी थी, ठीक है, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की ये कंप्लेंट थी कि वो जो एंट्रेंस एग्जाम है कई एंट्रेंस एग्जाम में वो अपीयर नहीं कर पाए। अब हमें दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो क्लियर है कि जो मैनेजमेंट है उसने इस साल सभी इंस्टीट्यूशन के लिए कंबाइंड एडमिशन एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाए हैं, ठीक है। और दूसरी में कि जो लास्ट ईयर में जो एग्ज़ाम हुए थे उसकी जो डेट थी वो फिनिश हो चुकी थी, ठीक है, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की कंप्लेंट है कि वो जो नंबर ऑफ एग्जाम्स है उसमें अपीयर नहीं कर पाए। तो आई थिंक जो लास्ट ईयर में स्टूडेंट थे वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं कर पाए, ठीक है, जिस वजह से उन्होंने कंप्लेंट करी और इसके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है उसने ये डिसीजन लिया होगा कि जो सभी इंस्टीट्यूशन है इस साल में वो कंबाइंड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक जो स्टेटमेंट बी है ये यहाँ पर कॉज है, यानी कि यहाँ पर कारण है, इस कारण के कारण उन पर ये इफेक्ट पड़ा, स्टेटमेंट ए वाला इफेक्ट पड़ा और उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो स्टेटमेंट बी है वो कॉज है और जो स्टेटमेंट ए है वो स्टेटमेंट बी का इफेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा, आंसर है बी, स्टेटमेंट बी इज कॉज एंड स्टेटमेंट ए इज इफेक्ट। तो स्टेटमेंट बी इज कॉज एंड स्टेटमेंट ए इज इफेक्ट। तो बी यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर है। तो क्लियर है आप लोगों को कि हमें स्टेटमेंट को रीड आउट कर ही समझ में आ सकता है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से कॉज है और कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इफेक्ट है।